मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। एक बार फिर से बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की काली दास्तान लोगों के बीच सुर्खियां बनी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की। इन दोनों के बीच की हेट स्टोरी अब कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची है। इस पूरे मामले में 30 अप्रैल को कंगना रनौत साइबर अपराध पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगी। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने कंगना के खिलाफ एक ऑनलाइन इम्पोस्टर को उनके नाम से उनके फैंस को ईमेल भेजने के कारण एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद अब 30 अप्रैल को कंगना अपना पक्ष पुलिस के सामने रखेंगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है और इससे लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कंगना ने इशारों इशारों में बिना ऋतिक का नाम लिए हुए कहा था कि उनके कुछ सिली एक्स उन्हें फिल्म से अब निकलवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बेवकूफ हैं और ये नहीं जानते कि कंगना को किसी की जरूरत नहीं। दरअसल कंगना का ये बयान इसलिए आया था क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कंगना को ऋतिक के ही कहने पर आशिकी 3 से निकाल दिया गया था। इसके बाद ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया था कि वो पॉप के साथ इश्क कर सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड में इस समय उन पर इल्जाम लगाने वाली तथा कथित एक्ट्रेस के साथ नहीं। ऋतिक और कंगना दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साबित हो गया कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस बात को और भी हवा मिली कि कंगना और ऋतिक के बीच शायद कुछ था। इसके बाद खुले तौर पर इल्जाम लगाने का सिलसिला चल पड़ा। ऋतिक ने कंगना पर उनके पर्सनल ईमेल से प्राइवेट बातें और फोटो शेयर करने का इल्जाम लगाया, तो वहीं कंगना के वकील ने कहा कि कंगना भी ये बातें कह सकती हैं कि उनके पर्सनल फोटो को ऋतिक रोशन सार्वजनिक करने पर तुले हुए हैं, और अगर कहीं सच में कंगना ने ऐसा किया तो ऋतिक को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी पूरी बात कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की हेट स्टोरी की। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्म बीच में बस इतना ही।